से कब छूट पड़ा। लवली बेटा, वहां सबसे अच्छा व्यवहार करना, तुम्हारे सासरे वालों से कोई शिकायत ना मिले हमको। और हाँ, तुम एक सांझे परिवार में जा रही हो, वहां सबकी अलग अलग पसंद नापसंद, खाना बनाना जरूर सीख लेना बेटा। हाँ, कहते हैं ना, पति के दिल में दाखिल होने का रास्ता उसके पेट से ही जाता है, इसलिए मैंने तुम्हारे सूटकेस में एक रेसिपी बुक रख दी है। अरे बिंदनी, तू तो कार्तिक को इतना चाहवे थी कि भाग कर ब्याह कर लियो, अब तू रो कह रही है, पगली कहीं की। अरे हंस हंस दे। अच्छा त्यागी से बात कर दीजिए। नमस्कार। अच्छा कौशिक सर। नमस्कार। जाओ, देखो सासरे वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रुक जाओ सत्तु की बहू। जी अम्मा सा, तने गृह प्रवेश ना करवाओ। अम्मा सा, वो तो हम पहले कर चुके हैं। चल वो ना सही, थाली की रस्म करवाई थी। नहीं अम्मा सा। अरे इतनी महत्वपूर्ण रस्म तू भूल कैसे गई? चलो कोई नहीं, अब करवा लो। मैं जानू हूँ कि जिस परिस्थिति में ब्याह हुए उसमें सारी रस्में ना हुई, इसी बारे तो सारी रस्में आप मैं करवाऊंगी। जी गैना बहू, जाओ जाकर थालियां ले आओ। जी मासा। आइए आप लोग। ना बहू, सारी थालियां लगा दे एक के बाद एक।
मुझे क्या करना होगा? अम्मा सा सब समझा देगी। आजकल ये रस्म लोग बाग भूल गए, मगर भाई हम तो ये सारी रस्में करेंगे। कार्तिक की बहू तू ध्यान से सुन, ये सारी थालियां थारे को उठानी है। ये सारी थालियां बिना शोर किए, बिना आवाज किए शांति से उठानी है। कहवे है कि जो बहू थालियां शांति से बिना आवाज के उठावे है तो उसका सारे परिवार वालों के साथ रिश्ते बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेंगे, कोई खटपट ना होवेगे। इस बार मैं कोई भी गड़बड़ बिल्कुल नहीं होने दूंगी। कार्तिक, मैं इसका एक रिहर्सल कर लूं क्या? प्ली, ये तुम्हारे थिएटर का प्ले नहीं है, घर की रस्म है। यहाँ पे रिहर्सल्स नहीं होते, बट आई एम श्योर यू विल डू गुड। ऑल द बेस्ट। कार्तिक बेटा, तू भी खाली मत बैठ, तलवार से थालियों को दाएं बाएं कर। जी अम्मा सर। देख, ये थाली थारे और कार्तिक के संबंधों के लिए। अरे वाह, बिल्कुल भी आवाज नहीं आई। तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। ये थाली थारे दादी सास के लिए, यानी हमारे संबंधों के लिए। उठा। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। इसका मतलब लवली ने अम्मा सा के दिल में परमानेंट जगह बना ही ली। ये थाली है थारे जेठों के नाम। तो लगता है तुम ही होगे जेठों की फेवरेट। ये थाली सारे जेठानियों के नाम। वाह जी वाह, वो जी जेठानियों की दुलारी छोटी देवरानी लवली हमारी। छठी थाली थारे ससुर सा के नाम। हाँ, ये भी उठा ली। अब तो मिठाइयों के बारे में कोई परेशानी नहीं होगी। ये सातवीं थाली बड़े ध्यान से उठाना, जे थारे सासु सा के नाम।
आगे कि सास बहू के संबंध कुछ ठीक ना रहेंगे। कार्तिक को हर बार बीच बचाव करने के लिए उपस्थित रहना पड़ेगो। जिसी तरह आरती चुप कर, ये तो सिर्फ एक रस्म है, हमारी नई बहू को डरा मत। भाई हम तो ये कहे हैं, जो मन से सोचे कि हमने रिश्तेदारों के साथ निभानो है तो कोई माई का लाल उस रिश्ते को बिगाड़ ना सके। शाबाश कार्तिक की बहू, शाबाश, तने सारे रस्में बड़े चोखे तरीके से निभाई, तब चोखो है ना? चोखो है मजा, चोखो है। आइए चल, आराम से आ जाओ। ये है मिस्टर कौशिक निवास। ये सब क्या है? सांसद जी ने कुछ घर में उपयोग आने वाली वस्तुएं भेजी हैं, जैसे एसी, टीवी, फ्रिज। जाओ और सामान लेके आओ। रुक जाइए, आज जीवन में पहली बार हमें महसूस हो रहा है कि हमारे घर में इन सब वस्तुओं की कमी पड़ी है। सुनिए, ये सब ले जाइए। सर, एक बार आप सांसद जी से बात तो कर लीजिए ना। हमें उनसे कोई बात नहीं करनी है, आप हमारा संदेश उनको दे दीजिएगा। हमारे घर में जो बहुएं आती हैं, उनसे हमें अच्छे संस्कार, अच्छे मूल्य और अच्छी परवरिश के तोहफे चाहिए होते हैं, इन सब चीजों के नहीं चाहिए। पर आप बहस मत कीजिए, डैड मॉम से कहना मुझे ये सब नहीं चाहिए, इन्हें लेके जाइए अभी। जी मैडम, चलो खा लो इसे। देखा, ऐसी है हमारी मासा। अरे थारी माता तो बाद में है, पहले जे हमारी बिंदनी है। जिसके ऊपर यार डोकरी को घड़ो अभिमान है, क्यों चोखो है ना? नहीं अम्मा सा, ये बात नहीं है। हमें तो शुरू से ही इस दहेज प्रथा से सख्त नफरत है। डैड मॉम की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। चलो भाई, अब तुम दोनों इसमें हाथ डालो और अंगूठी ढूंढो। जिसके हाथ भी अंगूठी लगेगी ना, उसी का पलड़ा भारी होगा। देख कार्तिक, नाक मत कटाना। अजी कार्तिक, तेरी मर्दानगी दिखाने का ये पहला मौका है। देख, हम सब भाई ना इस रसम में हमेशा जीते हैं। हाँ, डोंट वरी बिट्टू भैया, इस बार कार्तिक ही जीते। रियली लवली, अब तो तुम्हें जीतना ही पड़ेगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कम कार्तिक, डोंट वरी, हम सब भाई तुम्हारे साथ हैं। ओए लवली, तुमने सुना है ना, जो जीता वही सिकंदर। हाँ अजी निम्मी देवी जी, क्या हो गया आपको? अजी सिकंदर मर्द था, लवली कोई मर्द है क्या? लवली सिकंदर नहीं बन सकती, पर कार्तिक को जोरू का गुलाम तो बना ही सकती है। कार्तिक जोरू का गुलाम बन जाना।
माँ साहब आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आइए ना, हमारे साथ बैठिए। नहीं, हम यहीं ठीक है। अरे सत्तो की बहू, जे मत भूल कि थारा लाडला बेटा कार्तिक है। उसके ब्याह के आनंद से ही तो अपने आप को दूर रखे है। अरे लवली, ढूंढना अंगूठी। जल्दी करना। Come on, कार्तिक। कार्तिक। अंगूठी मिल गई मुझे। ओए होए, जीत गए जी। लो जी लो, अजी कार्तिक ने तो नाक ही कटा दिया। वो क्या कहते हैं, एक छोटी सी अंगूठी भी नहीं ढूंढ पाया। क्यों बिट्टू भैया, आप कुछ बोल रहे थे ना, लड़के हमेशा जीतते हैं। अजी अब तो कुछ कहने को बाकी नहीं रहा। कार्तिक तेरे से ये उम्मीद नहीं थी भाई। चलो जी, कोई तो आई जो हम बहुओं की ताकत बन सकती है। हम जरा नीचे का इंतजाम देख कर आते हैं। हाँ माता, बहुत भूख लगी है। हाँ भाभी, अब मैं बहुत थक गया। अब आपकी परमिशन हो तो क्या मैं जा सकता हूँ? भाभी, हम इन्हें जाने दे क्या? भाभी मैं भी बहुत थक गई हूँ, मैं भी जाऊँ? अच्छा लवली, बहुत थक गई हो तुम। कहना भाभी, पर हम लोग इन दोनों को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं? अरे निम्मी भाभी, बच्चे ना कब से बोल रहे हैं कि आज तो हम छोटी चाची और छोटे चाचा के साथ ही सोएंगे, तो आप उन्हें उधर ही सला दो। आहा, बिंदनियों और छोराओ, नए जोड़े को तंग मत करो। जल्दी से उनका कमरा सजा दो। चलो चलो चलो, भागो यहाँ से। चलो जी, चलो कमरा सजाना। ओ चलो। हाँ हाँ, कमरों सजाना मैं अच्छी तरह जानू। आरती तुम भी बहुत थक गई होगी ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भिजवा देती हूँ। तुम खाना खा लेना और कल सुबह ही आना। देखना, वो आपको नीचा कभी नहीं देखने देगी। आज उस छोटी छोरी के कारण सबके सामने हमारा अपमान हुआ, विशेष रूप से अम्मा सा के सामने। लवली के साथ इस घर की आत्मा ही चली गई। देखिए ना कैसा बेचैन सा लग रहा है घर। वो हंसती थी।
रोती थी, जिदें करती थी। ये घर जैसे उसकी आवाजों से गूंज उठता, और आज आज देखिए ना कैसे सोना सोना लग रहा है। ये तो है वाला, शायद उसके जाने के बाद हमें उसकी कदर हो रही। कौशिक परिवार को इतना नजदीक से देखने के बाद एक बात का एहसास हुआ मुझे, सुख साधन से भरी जिंदगी जीना और मतलब ही दिखावटी लोगों से घिरे रहना, ये कोई जिंदगी ही नहीं। रिश्ते और प्यार उससे कहीं ज्यादा बढ़कर मायने रखते हैं। आज एक और बात मेरी समझ में आई, लवली को अपने माँ बाप से जिस प्यार की उम्मीद थी ना, वो शायद हम उसे कभी नहीं दे, या फिर अगर मैं कहूं कि इस घर में किसी को देने के लिए प्यार बचा ही नहीं, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। काश काश ये बात मुझे लवली के यहां रहते समझ में आई हो, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा जब लवली अपने घर जा चुकी है। शायद तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर अब हम कर भी क्या सकते हैं सिवाय इन दुआओं के कि हमारी बच्ची खुश रहे उस परिवार में। ये बात दरअसल हमारे दिमाग में इसलिए आ रही है कि कार्तिक की माँ नियम कायदों की जरा पक्की है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी बेटी अपनी नई जिंदगी अच्छे से संभाल ले। आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? चलिए ना सबके साथ चल के बैठते हैं। हमारा मन नहीं है। माँ मैं समझता हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन माँ मेरा विश्वास कीजिए, लवली आपकी बहुत अच्छी बहू बन के दिखाएगी। सच में बनेगी? तुम जानते हो कार्तिक, वो अपने शगुन वाले दिन भी बिना किसी को बताए घर से बाहर चली गई थी। देखना, वो आपको नीचा कभी नहीं देखने देगी। आज उस छोटी छोरी के कारण सबके सामने हमारा अपमान हुआ, विशेष रूप से अम्मा सा के सामने। वो अपने शगुन वाले दिन भी बिना किसी को बताए घर से बाहर चली गई थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसे अपनी मनमानी और आजादी में किसी की बाधा नहीं चाहिए। मैं जानता हूं कि लवली ने कुछ बच्चों जैसी हरकतें की हैं, पर मां वो दिल की बुरी नहीं है। देखना, वो आपको नीचा कभी नहीं देखने देगी। अच्छा, ऐसा उसने कब किया? आज उस छोटी छोरी के कारण सबके सामने हमारा अपमान हुआ, विशेष रूप से अम्मा सा के सामने। नहीं कार्तिक, कभी नहीं। हम लवली को अपनी बहू के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे।
जिस परिवार का मान सम्मान बनाने के लिए हमें बरसों लग गए, आज वही समाज हमारे परिवार पर उंगलियां उठाएगा। इस छोरी ने हमारे परिवार का तमाशा बनाकर छोड़ दिया। नहीं कार्तिक, हम अपना अपमान कभी नहीं भूल सकते।